Hello everyone, welcome to LK Academy. I hope everyone of you is safe and uh, preparing for your upcoming examinations. So today we have arrived at our current aware lecture number twenty six. I hope that everyone of you has gone through all the previous lectures and all the topics that has been given in the.

खुद से मेहनत करके एक बड़ी सी कॉस्मेटिक कंपनी पूरी दुनिया में आ, खड़ी की है तो उन्होंने कहा था आई नेवर ड्रीम्ड अबाउट सक्सेस आई वर्कड फॉर इट आपने सपना देखा है कि मैं कोई भी एग्ज़ाम पास करूंगा या ऑफिसर बनना है मुझे बट वो सपना देखना ही काफ़ी नहीं है दैट इज़ नॉट योर एम राइट योर एम इज़ टू पास द एग्ज़ामिनेशन और आप पास कब करोगे एग्जामिनेशन वेन यू वर्क फॉर इट वैन यू प्रिपेयर फॉर इट और इसके इसके साथ और एक मैं चीज़ जोड़ना चाहूँगा वैन यू कंटिन्यूसली प्रिपेयर फॉर इट ऐसा नहीं कि एग्जाम से चार दिन पहले मैं सारे वीडियोज़ देख लूँगा और पास हो जाऊँगा कॉम्पिटिशन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स आर नॉट अबाउट फ्यू डेज ओके देर इज़ एंटायर प्रोसेस इन बैक एंड ओके अगर आप अगले साल एग्ज़ाम देने वाले हो तो यू हैव टू स्टार्ट दी प्रिपरेशन फ्राम टुडे इट्स नैवर टू लेट सो फ्राम टुडे यू स्टार्ट दिए प्रिपरेशन ओके चलिए तो आज का जो पहला टॉपिक है दैट इज़ रिलेटेड टू जिबोती कोड ऑफ कंडक्ट एंड वाई वी आर स्टडिंग दिस जिबोती कोड ऑफ़ कंडक्ट ये जिबोती जो नाम है ओके okay, छोटा सा टापू सा देश है गल्फ ऑफ ईडन के पास और फ्रेंच कॉलोनी वो रह चुका है पहले तो हमने काफ़ी बार इसके बारे में पढ़ा है ओके okay, अगर हमारी फ्रांस के साथ कोई आ, नेवल एक्सरसाइज होती है तो पढ़ा है हमने कि वो पहले इंडिया में होगी उसका कुछ पार्ट एंड द सेकेंड पार्ट ऑफ दैट नेवल एक्सरसाइज विल बी कंडक्टेड इन जिबोथी और नियर जिबोथी राइट सो इंडिया हैज़ जॉइंड द जिबोती कोड ऑफ कंडक्ट एज एन ऑब्जर्वर एज अ पार्ट ऑफ एफर्ट्स एम्ड टू एनहांस द मैरिटाइम सिक्योरिटी इन द इंडियन ओशन रीजियन तो इंडिया ने एज अ ऑब्जर्वर एज अ ऑब्जर्वर इसको जॉइन किया है जिबोती कोड ऑफ कंडक्ट को नाउ व्हाट इज दिस जिबोती कोड ऑफ कंडक्ट सो इट इज़ आल्सो नोन एज द कोड ऑफ कंडक्ट कंसर्निंग कंसर्निंग द रिप्रेशन ऑफ पायरेसी एंड आर्म्ड रॉबरी अगेंस्ट शिप इन द वेस्टर्न इंडियन ओशन एंड द गल्फ ऑफ एडन ओके तो जो रॉबरी होती है शिपिंग शिपिंग uh, में ओके okay, और मेरी टाइम रॉबरी जो होती है पायरेसी को रोकने के लिए ये जिबोथी कोड ऑफ कंडक्ट पे मेनी कंट्रीज़ ने और मोस्ट ऑफ़ द अफ्रीकन कंट्रीज़ है जिन्होंने इस पर सिग्नेचर की है इट वॉज़ अडोप्टिड ऑन द ट्वें ट्वेंटी नाइन्थ जनवरी टू थाउजेंड एंड नाइन इट वॉज एस्टैब्लिश्ड अंडर द इंटरनेशनल मेरी टाइम ऑर्गेनाइजेशन तो इट वॉज एस्टैब्लिश अंडर आई एम ओ मेन ऑब्जेक्टिव क्या था सो अंडर द कोड द सिग्नेटरी सिग्नेटरीज का मतलब है जिन्होंने जब ये जिबोती कोड ऑफ कंडक्ट बना था तो उस उसको किसने मान्य किया है किसने अपनी मंजूरी दी है किसने उस पर सिग्नेचर किए है दोज कंट्रीज आर नोन एज सिग्नेटरीज सो अंडर द कोड द सिग्नेटोरीज अग्रीड टू कोऑपरेट टू द फुलस्ट पॉसिबल एक्सटेंट इन द रिप्रेशन ऑफ पायरेसी एंड आर्म्ड रॉबरी अगेंस्ट शिप्स ओके होता है ना कि जैसे देखिए अब ये जो रीजन है वो इट इज़ नियर सूडान ओके अब सूडान में हमें पता है कि कोई भी शिप अगर गया तो उस शिप को घेर कर काफ़ी सारे शिप्स छोटे बड़े शिप्स उसको घेर कर उस शिप्स में जो भी स्कीमती सामान हो उसको क्या कर लिया जाएगा चुरा लिया जाएगा उसके ऊपर जो लोग होंगे उनको मार दिया जाएगा तो ऐसा ना हो टू पेट्रोलिंग ओके टू सेव दिस काइंड ऑफ इंसिडेंट्स ये जिबोती कोड ऑफ़ कंडक्ट पे सिग्नेचर किए गए थे उसके बाद उसमें एक अमेंडमेंट किया गया अमेंडमेंट का मतलब है उसमें एक सुधार किया गया और जो कहाँ किया गया जद्दा में किया गया सो जद्दा अमेंडमेंट क्या हुआ सो एन अमेंडमेंट टू डी सी ओ सी वॉज मेड इन ट्वेंटी सेवनटीन टू कवर अदर इलिसिट मेरी एक्टिविटीज़ इंक्लूडिंग ह्यूमन ट्राफिकिंग एंड इलीगल अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग

उसमें सुधार करके उसमें अमेंडमेंट करके 2017 में उससे उसके साथ बाकी सारे जो इरेगुलरिटीज़ थे उनको भी क्या कर दिया गया जोड़ दिया गया जिसमें क्या क्या इंक्लूडिंग इंक्लूडेड है सो ह्यूमन ट्राफिकिंग और ड्रग ट्राफिकिंग राइट अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग टू बिल्ड नेशनल एंड रीजनल कैपेसिटी एड्रेस वाइडर मेरी सिक्योरिटी इश्यूज तो इन सबको उसके साथ जोड़ दिया गया सिग्नेटरीज कौन कौन से थे तो देखिए मोस्ट प्रोबेबली जो है Uh, वो अफ्रीकन कंट्रीज हैं सो इट हैज़ बीन साइंड बाई ट्वेंटी कंट्रीज इंक्लूडिंग जिबोथी इथियोपिया केनिया मडागास्कर मालदीव्स, सशेल्स सोमालिया द यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ टंजानिया, यमेन कॉमोरोस इजिप्ट, एरिट्रिया जॉर्डन मोरिशियस मोजाम्बिक, ओमान सऊदी अरेबिया साउथ अफ्रीका सूडान एंड द यू बर स्टेट आर लोकेटेड इन एरियाज अर ज्वाइनिंग द रेड सी गल्फ ऑफ एडन एंड द ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका एंड इंक्लूड आईलैंड नेशन इन द इंडियन ओशन ऑब्जर्वर कौन कौन है निर्देशक के तौर पर कौन कौन काम करेगा यहाँ पे इंडिया जापान नॉर्वे द यूके एंड यू एस दो इंडिया ने रिसेंटली इसको ज्वाइन किया है देखिए वी आर पुट टूगेदर विथ यू के एंड दी यू एस है तो हमारा जो इंटरनेशनल कद है इंटरनेशनल स्ट्रेंथ जो है इंडिया की वो धीरे धीरे बढ़ी है और अफ्रीकन कंट्रीज़ के साथ पिछले आ, कुछ सालों में हमने काफ़ी सारे मेरी टाइम एग्रीमेंट बेसिकली किए ओके हमारी जो सागर योजना है तो सागर योजना है जो पूरा इंडिया के जो भी मेरी टाइम रिलेशन है अलग अलग कंट्री के साथ उसको बढ़ावा देना है सो अंडर दैट वी हैव डेवलप्ड अवर रिलेशन विथ दी बेसिकली दस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज राइट सो देखिए ये जो रेड में आपको जो सारे दिख रहे हैं दोज आर दी सिग्नेटरीज कंट्रीज ऑफ दी जिबोथी कोड ऑफ कंडक्ट ओके साउथ अफ्रीका मडागास्कर ये छोटे छोटे जो पाँच देखे मालदीव सशेल्स कोमोरस मडागास्कर एंड मोरिशियज एंड दिस इज लार लार यूनियन सो ये पाँच जो है वो आपके क्या हो गए आईलैंड uh, कंट्रीज हो गए जो कि वेस्टर्न इंडियन ओशन में ओके एंड ऑल दी अदर मेजर कंट्रीज आर ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिया बिकमिंग एन ऑब्जर्वर तो क्या सिग्निफिकेंस होगा इंडिया को क्या फ़ायदा होगा इंटरनेशनल लेवल पर डिप्लोमेटिक लेवल पर क्या फायदा होने वाला है हमें सो बूस्टिंग इट्स इंडियन ओशन आउटरीच तो बेसिकली हमारा जो समंदर के रास्ते से जो हमारा रिलेशन है डिप्लोमेटिक रिलेशन है वो हमारा क्या होगा बढ़ेगा एंड नॉट ओनली डिप्लोमेटिक रिलेशन हमारे इकोनॉमिक टाइज भी धीरे धीरे क्या होंगे इंप्रूव होंगे एज इंडिया इज स्ट्रेंथनिंग इट्स पोजिशन इन द इंडियन ओशन एंड नियर बाई वाटर्स एज अ पार्ट ऑफ इट्स ओवरऑल इंडो पैसिफिक पॉलिसी दी मूव विल हेल्प इट इन इंक्रीजिंग इट्स स्ट्रेटेजिक फुटप्रिंट्स इन वेस्टर्न एंड ईस्टर्न इंडियन ओशन बिसाइड ईस्टर्न अफ्रीकन कोस्टल स्टेट्स और एक हमारा कॉन्सेप्ट है जो पिछले बजट्स में हमने आइडिया uh, हमारे जो फिनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने सामने रखा है दैट इज़ ब्लू इकोनॉमी. सो ब्लू इकोनॉमी इज वन ऑफ द की एरियाज़ ऑफ द जद्दाट जद्दाह अमेंटमेंट इट रिफर्स टू दस्टेनेबल यूज ऑफ ओशन रिसोर्स फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ Improved livelihoods and jobs and ocean ecosystem health. India has also focused on the growth of the blue economy through its framework of Indian Ocean Rim Association, and DCOC may be another step in. दैट डिरशन राइट नाउ चाइना को काउंटर करने के लिए भी ये सारे कंट्री का साथ होना हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है सो चाइनाज टेरिटोरियल क्लेम्स इन साउथ चाइना सी इट्स क्लेम इन ईस्ट चाइना सी एंड इट्स रेपिड एडवांस इन टू द इंडियन ओशन राइट श्रीलंका बांग्लादेश म्यांमार पाकिस्तान ये सारे कंट्री के साथ चाइना अपने टाइज जो है वो धीरे धीरे क्या कर रहा है इनक्रीज़ कर रहे तो उसको काउंटर करने के लिए भी अफ्रीका is the biggest market right so china's territorial claims in all those regions including indian ocean into the indian ocean through ambitious strategic and economic initiatives like the uh, string of pearls and belt and road initiatives may pose a threat to india सो इंडिया को भी अपना जो डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ है वो धीरे धीरे क्या करना पड़ेगा इनक्रीज करना ही पड़ेगा अदरवाइज वी वोंट सर्वाइव अगेंस्ट चाइना वी ऑलरेडी नो दिन गोइंग इश्यू एट दी लद्दाख राइट लद्दाख के साथ साथ इस साइड अरुणाचल प्रदेश में भी स्टैंड ऑफ चाइनीज आर्मी और इंडियन आर्मी के बीच चल रहा है तो चाइना हैज़ द रिसोर्सिस टू अटैकस राइट बट इफ यू जापान ऑस्ट्रेलिया रशिया डोंट सपोर्ट अस देर इज अ पॉसिबिलिटी दैट इंडिया कैन नॉट विन द वॉर अगेंस्ट चाइना एंड दैट्स वाई वी आर सी हमारी जो विदेश नीति है वो युद्ध के तरफ नहीं जा रही है वी आर प्रिपेर फॉर वॉर बट वी डू नॉट वॉन्ट टू अटैक राइट वॉट वी आर डूइंग वी आर अपोजिंग चाइना थ्रू द डिप्लोमेटिक टाइज हम एप्लीकेशन बैन कर रहे हैं चाइनीज़ कंपनियों का जो इंडियन मार्केट में शेयर है उसको कम कर रहे हैं चाइनीज़ प्रोडक्ट्स जो है जो इंडिया में इजीली अवेलेबल हो जाते हैं उसके ऊपर हमने धीरे धीरे बैन लगाना स्टार्ट कर दिया है आत्मनिर्भर भारत जैसा एक वेरी 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 एम्बिश प्रोग्राम हमने लॉन्च uh, किया है ताकि अगर आत्मनिर्भर भारत सक्सेसफुल होता है तो उसका सारा फ़ायदा टोटली हंड्रेड परसेंट किस होगा इंडियन इकोनॉमी को होगा और सबसे बड़ा नुकसान किसको होगा चाइनीज़ इकनॉमी को होगा राइट अगर आपने देखिए पिछली बार पिछले दो या तीन हफ्ते पहले प्राइम मिनिस्टर ने खिलौनों के बारे में एक आ, अपने जो एड्रेस टू नेशन था उसमें एक बात कही थी कि चाइना के साथ चाइना से करोड़ों अरबों रुपए के खिलौने इंडिया में आते हैं नाउ प्राइम मिनिस्टर ने सिर्फ इतना कहा कि वी नीड टू फोकस ऑन आवर टॉय इंडस्ट्री हमें जो हमारी खिलौनों की इंडस्ट्री है उसके ऊपर हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए दो या तीन ही हफ्ते में उसका इतना असर हुआ है कि वी हैव सीन अ रैपिड इंक्रीज इन इंडियन मैन्युफैक्चर्ड टॉयज राइट तो देखिए क्या और कैसे बदलाव हो सकता है उसका दिस इज़ द लाइव एग्जाम्पल ओके इफ यू वॉन्ट दी स्टेटस्टिक्स यू कैन जस्ट गो टू दी गूगल एंड फाइंड द स्टेटिस्टिक्स इक्कीस या बाईस दिनों में ही इतना चेंज रेपिड चेंज ऑफ करोर्स ऑफ रुपीज हमें वहाँ पे देखने को मिला है ओके सो फर्दर चाइना इज मॉडर्नाइजिंग इट्स मिलिट्री एट जिबोती गिवन इंडियाज स्टेक्स इन द इंडियन ओशन एंड राइजिंग इंडो चाइना कॉन्फ्लिक्ट इट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट फॉर इंडिया टू डेवलप ब्लू वाटर नेवल कैपेबिलिटीज एंड दैट्स वाई वी आर इम्प्रूविंग अवर रिलेशन विथ ऑल आसियान कंट्रीज बांग्लादेश श्रीलंका Uh, australia japan all these countries are helping india right chaliye किसी को अगर आगे लेकर चलूँ तो अब तक इंडिया की क्या पोजीशन है इन इंडो पैसिफिक रीजन और अब तक इंडिया ने क्या किया है सो शंगरीला डायलॉग इंडिया इज इंटरनेशनली एम्फोसाइज ऑन इंक्लूडिंग द वेस्टर्न पैसिफिक एंड द इंडियन ओशन इन द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडो पैसेफिक लाइक द शरीला डायलॉग इन ट्वेंटी इन अकॉर्डेंस इट ऑल्सो सेटअप एन इंडो पैसेफिक डिजन इन द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स तो देखिए पूरा अलग डिवीजन बनाया गया है हमारी एक्सटर्नल में हमारी एक पूरी विदेश मंत्रालय में इंडो पैसिफिक डिवीजन नाम से एक अलग विभाग ऑलरेडी बना दिया गया है क्वाड क्वाड के बारे में मैं काफी बार आपसे डिस्कशन कर चुका हूं चार देशों का समूह है ऑस्ट्रेलिया जापान इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया सो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग रिफर्स टू एन एडहॉक ग्रुप इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया इंडिया जापान एंड दू एस ए विथ दिस शेयर ऑब्जेक्टिव टू एंश्योर एंड सपोर्ट अ फ्री ओपन एंड प्रोस्परस इंडो पैसिफिक रीजन सो बेसिकली जो क्वार रीजन है वो ट्वेंटी सेवन में इस्टब्लिश किया गया था और ट्वेंटी सेवनटीन में उसको रिवाइव किया गया ओके टू थाउजेंड एंड सेवन में उसको इस्टेब्लिश किया गया बट वो ज़्यादा कोई अच्छा काम नहीं कर रहा था कोई खास काम नहीं कर रहा था बट आफ्टर टू थाउजेंड एंड फोटीन जापान के जो प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर थे ओके okay? जापान के नए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हो चुके हैं तो प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर जो थे उन्होंने काफ़ी ट्राई किया टू रिवाइव दिस ग्रुप एंड आफ्टर दैट इट इज़ वर्किंग एंड इट इज मीटिंग एवरी ईयर एंड ऑल दो थिंग्स आर हैपनिंग ऑन डिप्लोमेटिक लेवल्स ओके और वो बेसिकली चाइना को काउंटर करने के लिए क्वाड अब से काम करेगा सो इंडिया हैज़ साइंड रेसिप्रोकल मिलिट्री लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट्स विद ऑस्ट्रेलिया यू एस ए जापान टू इंक्रीज इंटर ऑपरेबिलिटी विथ दी नेवीज़ ऑफ़ दो कंट्रीज ओके लास्ट टाइम ही मैंने आपको यूएस और ऑस्ट्रे सॉरी यूएस और जापान के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया था ओके okay? लमााओ जो है जापान के साथ हमने हमारा लॉजिस्टिक अग्रीमेंट साइन किया है तो वो सारे तीन बड़े बड़े कंट्रीज़ के साथ हमने ऑलरेडी लॉजिस्टिक अग्रीमेंट साइन किया है मीनिंग वी हैव ऑलरेडी अग्रीड फॉर अवर मिलिट्री पार्टनरशिप ओके इफ दे वांट दे कैन यूज अवर मिलिट्री बेसिज इफ वी वांट वी कैन यूज देयर मिलिट्री बेजिज ओके नेक्स्ट इज आसियान सो इंडिया हैज इज एम्फोसाइज्ड सेंट्रलिटी ऑफ आसियान इन इट्स इंडो पैसिफिक फ्रेमवर्क इन इंडिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी प्रोवाइड्स स्ट्रेटेजिक डिरेक्शन टू इंक्रीज इट्स कोऑपरेशन विद आसियान सागर जैसे कि मैंने आपको बताया दी इंडियन गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ सागर और सागर का पूरा नाम क्या है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन इन 2015 फिफ्टीन एज इट्स स्ट्रेटेजिक विजन फॉर द इंडियन ओशियन रीजियन थ्रू सागर इंडिया सिक्स टू डीपन इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन विद इट्स मेरीटाइम नेबर्स एंड असिस्ट इन बिल्डिंग देयर मेरीटाइम सिक्योरिटी टी देखिए चाइना और अफ्रीका का कोई रिश्ता है नहीं ना जमीनी रिश्ता है ना आ, ओशन से वो जुड़े हुए फिर भी देर इज़ एन इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट फ्रॉम चाइना इन ऑल अफ्रीकन कंट्रीज सो आफ्टर दिस न्यू गवर्नमेंट केम उन्होंने भी ये सोचा कि भाई अगर चाइना अफ्रीका में अगर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकता है सो वाई इंडिया कैन नॉट तो इंडिया ने भी धीरे धीरे अफ्रीकन कंट्रीज़ के साथ अपने जो आ, डिप्लोमेटिक इंडस्ट्रियल टाइज जो थे उसको बढ़ाना स्टार्ट किया ओके इंडियाज अदर पॉलिसीज इम्पेक्टिंग द मेरी डोमेन इंक्लूडिंग प्रोजेक्ट सागरमा तो सागरमा ऑल्सो एक हमारा बड़ा प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट मौसम इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर फॉर द इंडियन ओशन रीजन एट्सेट्रा इंडिया इज ऑल्सो बिगन टू फोकस ऑन इट स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स इन दैसटर्न इंडियन ओशन इट हैज़ बीन एक्सेप्टेड एज एन ऑब्जरवर एट इंडियन ओशन कमीशन राइट तो जो मैंने आपको बताया कि जो पांच कंट्रीज थे मडागास्कर सशेल्स एंड ऑल दो फाइव आइलैंड कंट्रीज तो वहाँ पे भी इंडिया ऑलरेडी एज एन ऑब्जर्वर के तौर पर काम कर रहा है और ओके okay, और वह 2019 में ही हम वहाँ पर सिलेक्ट हो चुके थे एज एन ऑब्जर्वर तो दीज आर दी चार्ट है ये मोटा मोटा डिटेल मैंने आपको दिया है कि इंडिया के जो रिलेशन है मेरी रिलेशन है ओशन कंट्रीज़ के साथ वो कैसे है देखिए यहाँ से ईरान से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक ओके और बांग्लादेश से लेकर सारे आसियान कंट्रीज तक यहाँ पे ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर हो गई है ओके जस्ट गो थ्रू दिस स्लाइड वंस तो आपको जो मेजर प्रोजेक्ट है वो भी पता चल जाएंगे और एक पूरा पिक्चर आपको क्लियर हो जाएगा कि द हाउ इंडिया इज़ वर्किंग एंड हाउ अदर कंट्रीज़ आर सपोर्टिंग अस ओके चलिए नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ ओ स्मार्ट स्कीम सो व्हाट इज द ओ स्मार्ट स्कीम तो उसका फुल फॉर्म है द ओशन सर्विसेज मॉडलिंग एप्लीकेशंस रिसोर्सिस एंड द टेक्नोलॉजी विच स्टैंड फॉर ओ स्मार्ट सो ओ स्मार्ट स्कीम वॉज अप्रूव्ड बाई द यूनियन कैबिनेट इन ऑगस्ट ट्वेंटी एटीन एंड इट इज़ इम्प्लीमेंटेड बाई द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसिस तो अगर आपको पता है तो अभी पार्लियामेंट सेशन इज ऑन गोइंग राइट सो ऑन दैट इन दैट ऑनगोइंग सेशन ये जानकारी वहां पे दी गई बाई मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस इट एम्स एट स्टेपिंग अप ओशन रिसर्च एंड सेटिंग अप अपरली एवरीथिंग दैट इज लैकिंग एज ऑफ नाउ रिलेटिंग टू ओशन रिसर्च ओके सो इट एम्स एट स्टेपिंग अप ओशन रिसर्च एंड सेटिंग अप अर्ली वॉर्निंग वेदर सिस्टम्स वी ऑलरेडी नो दैट एज ऑफ now हमारा जो meteorological डिपार्टमेंट है वो कैसे काम करता है तो उसको मॉडर्नाइज करने के लिए वो स्मार्ट स्कीम इम्प्लीमेंट की गई है इट अड्रेस ओशन डेवलपमेंट एक्टिविटीज सच एज सर्विसेज टेक्नोलॉजी रिसोर्स ऑब्जर्वेशन एंड साइंसिस एंड प्रोवाइड्स नेसेसरी साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल बैकग्राउंड रिक्वायर्ड फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वरियस अस्पेक्ट ऑफ ब्लू इकनॉमी ऑब्जेक्टिव क्या है इसके

टू डेवलप शोर लाइन चेंज मैप्स फॉर असैसमेंट ऑफ कोस्टल इरोजन ड्यू टू नेचुरल एंड एंथ्रोजेनिक एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ राइट तो देखिए कहा जाता है कि जो आ, ओशन से सटे जो भी शहर है मुंबई कहा जा रहा है कि आने वाले पचास या सौ सालों में मुंबई शहर डूब जाएगा मल्टीपल सिटीज़ है इंडिया में जो कि ओशन के किनारे आ, बसे हुए हैं तो क्या इम्पैक्ट होगा आने वाले सालों में ओशन इरोजन का उसके स्टडी uh, भी यहाँ पे इन सेंटर्स में की जाएगी टू डेवलप अ वाइड रेंज ऑफ स्टेट ऑफ द आठ ओशन ऑब्जर्वेशन सिस्टम्स फॉर द एक्विजीशन ऑफ रियल टाइम डाटा फ्राम दीज अराउंड इंडिया एंड टू केटर द टेस्टिंग एंड सी ट्रायल एक्टिविटीज ऑफ दी ओशन टेक्नोलॉजी टू जनरेट द डिसेमिनेट अट ऑफ यूजर ओरिएंटेड ओशन इन्फॉर्मेशन एडवाइजरीज वार्निंगज डाटा एंड डाटा प्रोडक्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ दोसाइटी हमें पता है कि जो फिशरमैन है जो मछुआरे हैं वो अगर बारिश की ज्यादा बारिश है उनको अगर मौसम का पता नहीं है और अगर वो बीच ओशन में अगर फंस जाते हैं ओके okay, तो वो वापस नहीं आ पाएंगे या लॉस्ट ऑफ डायरेक्शन या कुछ भी हो सकता है इन मिडल ऑफ द ओशन जहाँ पे आपके पास प्रॉपर कम्युनिकेशन चैनल्स अवेलेबल नहीं होंगे तो एज ऑफ नाउ दोज सिस्टम्स आर यू नो वेरी लेम काफ़ी पुरानी सिस्टम सब अभी भी यूज कर रहे हैं और आज तक हमने ध्यान नहीं दिया कि उसको भी हमें इम्प्रूव करना चाहिए तो वंस अंडर दिस ओ स्मार्ट स्कीम वो सारी जो अपडेट सिस्टम है उसको भी क्या किया जाएगा इम्प्रोवाइज़ किया जाएगा टू डेवलप हाई रिजोल्यूशन मॉडल्स फॉर ओशन फोरकास्ट एंड एनालिसिस सिस्टम्स कि भाई आने वाले कल का मौसम कैसा होगा आने वाले एक महीने का ऐसा मौ... एक महीने में मौसम कैसा होगा कोई टॉर्नेडो आने वाला है कोई तूफान आने वाला है कहाँ कहाँ वो असर करेगा कितना इम्पेक्ट करेगा विंड स्पीड क्या होगी ये सारी चीज़ें टू मेजर दम एक्ूरेटली ये सारी चीज़ें इंप्रोवाइज की जा रही है टू डेवलप अलगोरिदम्स फॉर वेलिडेशन ऑफ सेटेलाइट डाटा फॉर कोस्टल रिसर्च एंड टू मॉनिटर चेंजेस इन द कोस्टल रिसर्च एक्विजिशन ऑफ कोस्टल रिसर्च वेसल्स फॉर कोस्टल पोल्यूशन मॉनिटरिंग टेस्टिंग ऑफ वरियस अंडर वाटर कंपोनेन्ड टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन एंड टू सपोर्ट देर ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑल्सो टू डेवलप टेक्नोलॉजी द मरीन बायो रिसोर्सेज जनरेट फ्रेश वाटर एंड ओशन एनर्जी एंड डेवलप अंडर वाटर व्हीकल्स एंड टेक्नोलॉजीज़ देखिए इसका क्या मतलब है मरीन बायो रिसोर्सेज तो हमारे काफ़ी सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमें सीधे सीधे कहाँ से मिलते हैं ओशन से मिलते हैं तो हर बार ये पॉसिबल नहीं है कि वी कैन गो टू दी डीप टू दी ओशन राइट तो वी शुड हैव दैट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी के ऊपर से ही रडार से मैं पता चल कि हाँ अगर मैं यहाँ पे डीप जाऊँगा यहाँ पे अगर मैं खुदाई करता हूँ तो मुझे इतने न्यूट्रिएंट्स यहाँ से मिलेंगे ओके okay? तो उस वो टेक्नोलॉजी भी धीरे धीरे आने वाले सालों में डेवलप की जाएगी

उसकी बायोडाइवर्सिटी अलग होगी उसका पानी अलग होगा उसका पोल्यूटेंट्स और सारी चीज़ें उसमें अलग होगी अब मान लीजिए वो शिप अगर अफ्रीका जाएगा तो वो क्या करेगा अगर उस पानी को शिप यहाँ से लेकर अगर वो वहाँ पे डिस्चार्ज कर दे अफ्रीका के सीशो पर तो क्या होगा कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं मुंबई के पानी में वो अब कहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे अफ्रीका के पानी में आपको देखने को मिलेंगे सो उसको क्या कहा जाएगा इन्वेजिव स्पीशीज़ राइट वो नेटिव स्पीशीज़ वहाँ की जो है उसको खतरा हो सकता है उसको कैसे रोल uh, आउट किया जाए वो चीज़ यहाँ पे देखी जाएगी टू कैरी आउट एक्सप्लोरेशन ऑफ पोली मेटालिक नोड्यूल्स एम पी एन फ्रॉम वाटर डेप्थ फ्रॉम फाइव फाइव जीरो जीरो मीटर इन दाइट ऑफ सेवेंटी फाइव थाउजेंड स्क्वायर किलोमीटर अलॉटेड टू इंडिया बाई यूनाइटेड नेशन इन सेंट्रल इंडियन ओशन बेसिन एंड टू कैरी आउट ऑफ गैस हाइड्रेट्स दिस इज ऑल्सो एन ओल्ड न्यूज़ ये 2019 में ही हमें अलॉट हो चुका था और पचहत्तर हज़ार स्क्वायर किलोमीटर जितना एरिया सेंट्रल इंडियन ओशन बेसिन में हमें अलॉट हुआ है उसमें हम जो चाहे वो कर सकते हैं ओके okay? हो सकता है कि जो मेटल्स है रॉ मटेरियल्स हमें काफ़ी सारे उस रीजन से मिल सकते हैं तो उसकी रिसर्च के लिए भी ये जो ओ स्मार्ट स्कीम है वो काम करेगी एम पी एन ऑल्सो कॉल्ड एज concretions formed of concentric layers of iron and manganese hydroxides around a core mpn contain multiple metals like copper nickel cobalt manganese iron dekhiye ab agar ye sare it is said okay कि ऐसा अनुमान है हमारी जो इंडियन एजेंसीज़ है उनका कि अगर हमें ये पचहत्तर हज़ार स्क्वायर किलोमीटर से अगर इसका बहुत बड़ा एक खदान अगर मिल जाती है तो इंडिया की जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है फॉर नेक्स्ट हंड्रेड ईयर्स विल बी रिजोल्व एंड दैट्स वाई इंडिया इज इन्वेस्टिंग टू मच मनी फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट ओके इन खदानों के लिए ओशन रिसर्च के लिए काफ़ी सारा पैसा इंडियन गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसिस ऑलरेडी अलाट कर चुकी है सो एम पी एन कंटेन मल्टीपल मेटल्स लाइक कॉपर निकल कोबाल्ट मैंगनीज आयरन लेड जिंक एल्यूमिनियम सिल्वर गोल्ड एंड प्लेटिनम एट्सेट्रा इन वेरिएबल कॉन्स्टिट्यूशंस एंड आर प्रेसिपिटेट ऑफ हॉट फ्लूड्स फ्रॉम अप फिलिंग हॉट मेगमा फ्राम द डीप इंटीरियर ऑफ दी ओशनिक क्रस्ट ओके सो माइनिंग के लिए हम ऑलरेडी काफ़ी सारा पैसा यहाँ पर अलॉट कर चुके हैं ओके सो ये चीज़ आपको याद रखनी है इन सारी चीज़ों में ओके okay? जो जो पॉइंट हमने डिस्कस किए वहाँ पर हमें ओ स्मार्ट स्कीम हेल्प करेगी जो कि इम्प्लीमेंट की गई है बाई द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसिस ओके okay? नेक्स्ट टॉपिक इज़ कोविड इन्फेक्शन इन पी वी टी जीज ओके और पी वी टी जी ऑलरेडी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं क्या है फुल फॉर्म ऑफ द पी वी टी जी पर्टिकुलरली वलनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स सो देर आर मल्टीपल ट्राइबल ग्रुप्स इन एवरी स्टेट सबसे हाइस्ट नंबर ऑफ ट्राइबल ग्रुप पी वी टी जी आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगे ओडिशा में ओके उड़ीसा हैज़ ऑलमोस्ट सिक्सटी टू ट्राइबल ग्रुप्स विच इज़ दी हाइएस्ट इन द एंटायर नेशन सो सिक्स मेम्बर्स ऑफ टू पर्टिक्युलरली वलरेबल ट्राइबल ग्रुप्स विच इज़ पर्टूलरली बोंडाज एंड डिडाइस इन ओडिशा कॉन्ट्रैक्टेड कोविड नाइन्टीन द नेशनल कमीशन फॉर स्केड्यूल्ड ट्राइब्स हैज़ सॉट अ रिपोर्ट फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट एंड हैज मैटर ऑफ ग्रेव कन देखिए अब तक इतने महीने हो गए अभी तक uh, जो स्केडूल्ड ट्राइब्स है या जितने भी ट्राइबल ग्रुप्स हैं उन लोगों में कोविड नाइन्टीन का कॉन्ट्रेक्शन देखने को नहीं मिला था क्या रीज़न है इसका बिकॉज दे आर ऑलरेडी फार 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 अवे फ्रॉम दी एक्चुअल सोसाइटी तो वो ऑलरेडी शहरों से या गांवों से दूर कहीं जंगलों में रह रहे हैं। तो वो ऑलरेडी इन देयर नॉर्मल लाइफ दे आर फॉलोइंग सोशल डिस्टेंसिंग एंड दैट्स वाई उनको अभी तक कोरोना का इन्फेक्शन नहीं लगा था बट छः मेंबर्स को कोरोना पॉजिटिव का रिपोर्ट आया है और मिनिस्ट्री उसको काफ़ी सीरियसली uh, ले रही है ऑल्सो पर्टिकुलरली वलनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स फ्रॉम अंदामान कॉन्ट्रेक्टेड कोविड नाइन्टीन ओके तो अंदामान से भी uh, जो पी वी डी जी हैं उनको भी उनमें भी कोविड नाइन्टीन इन्फेक्शन देखने को मिला है okay now what is pvtg so the classification among the tribes was adopted by the government of india after the debar commission uh, which was constituted in 61 6061 stated that within the scheduled tribes there existed an inequality in the rate of development तो स्कड्यूल्ड टाइप में भी मान लीजिए जो रिज़र्वेशन दिया गया है वो है आपके पी वी टी जी ट्यूरिंग द फोर्थ फाइव ईयर प्लान फ्रॉम नाइनटीन सिक्सटी नाइन टू सेवेंटी फोर सब कैटेगरी वॉज़ क्रिएटेड विद इन स्केड्यूल्ड ट्राइब्स टू आइडेंटिफाई ग्रुप्स एट अ लोअर लेवल ऑफ डेवलपमेंट तो जिनका जो ट्राइबल ग्रुप्स का डेवलपमेंट कम था उनको अलग से रिकग्नाइज़ किया गया उनको उस टाइम पर क्या कहा गया प्रीमिटिव ट्राइबल ग्रुप जिसको अब नाम बदल कर क्या कर दिया गया है पी वी टी जी पर्टिकुलरली वलनरेबल ट्राइबल ग्रुप जब वो फॉर्म किया गया था ये पर्टिकुलर ग्रुप जब उनको रिकग्नाइज़ किया गया था दोज वर प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स क्राइटेरिया क्या है सो पी वी टी जी इज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्लासिफिकेशन फॉर ट्राइब्स बेस्ड ऑन देयर रिलेटिव फ़िजिकल आइसोलेशन जैसे कि मैंने कहा कि वो हमेशा शहरों या गाँवों से काफ़ी दूर 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 के जंगलों में आपको देखने को मिलेंगे और उनका काम धंधा क्या होगा छोटी सी खेती करके या शिकार करके वो अपना जीवन गुजार कर रहे होंगे स्टेग्नेंट और डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन या तो उनकी जो पॉपुलेशन है वो बढ़ नहीं रही है स्थिर है स्टेग्नेंट है या तो धीरे धीरे कम होती जा रही है आ, समय के साथ नेक्स्ट इज लो लेवल ऑफ लिटरेसी लिटरेसी का लेवल काफ़ी कम है शिक्षण का जो लेवल है वो काफ़ी कम है एबसेंस ऑफ रिटर्न लैंग्वेज दे डो नॉट हैव एनी रिटर्न लैंग्वेज देखिए आप समझ सकते हो कि जब शिक्षा का प्रमाण कम होगा तो रिटर्न लैंग्वेज का ना होना काफ़ी नॉर्मल बात है राइट right? और प्री एग्रीकल्चरल स्टेज ऑफ इकोनॉमी सचैज़ हंटिंग फूड गैदरिंग शिफ्टिंग कल्टिवेशन एंड टेरेस कल्टिवेशन तो ये लोग क्या कोई एक स्थिर जगह इनकी नहीं होगी अलग अलग जंगलों में एक जगह से दूसरी जगह अपने ग्रुप के साथ अपने कबीले के साथ जाते रहेंगे तो उनको ये बेसिकली इन पाँच पैरामीटर्स पे पीवीटीजी को रिकोगनाइज किया जाएगा सो एज ऑफ नाउ एज ऑफ टूडे देर आर सेवेंटी फाइव ट्राइबल ग्रुप्स हैव बीन कैटेगोराइज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एज पी अक्रॉस इंडिया ओके जिसमें लक्षद्वीप भी आ गया अंडमान निकोबार भी आ गया जम्मू से लेकर तमिलनाडु तक और गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक द मिनिस्ट्री ऑफ़ ट्राइबल अफेयर्स इंप्लीमेंट्स द स्कीम ऑफ डेवलपमेंट ऑफ़ पी एक्सक्लूसिवली फॉर देम ओके okay, तो एस टी के लिए जो स्कीम रखी जाती है उसमें भी रिजर्वेशन किसको दिया जाएगा पी वी टी जीज़ को पी वी टी जीज इन ओडिशा इज़ दी हाइएस्ट सो ऑफ दिक्सटी टू ट्राइबल ग्रुप्स इन ओडिशा थर्टीन आर रिकोगनाइज एज पर्टिकुलरली वर्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स द हाईएस्ट इन दी कंट्री ओडिशा हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ़ टू पॉइंट फाइव लैक बिलोंगिंग टू पी वी डीजीज एंड दीज आर दी नेम्स ऑफ ऑल दोज पी वी डीजीज ओके तो जस्ट एक नज़र मार लीजिए आपको एग्जाम में पी वी डी जीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ओके तो आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह चाहे इकोनॉमी से रिलेट करके चाहे पॉलिटिक्स से रिलेट करके ये चीज़ आपको पूछी जा सकती है और करंट अफेयर्स में तो दिस इज़ आई हैव ऑलरेडी टोल्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू ओके okay. और इन नेक्स्ट फ्यू स्लाइड्स आई हैव लिस्टेड आई हैव लिस्टेड आउट ऑल दी पी वी टी फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स तो देखिए आंध्र प्रदेश में बारह सबसे हाइएस्ट तेरह पी वी टी जी ओडिशा देन आंध्र प्रदेश देन बिहार गुजरात ओके okay. गुजरात के चलिए एक बार डिस्कस कर लेते हैं तो गुजरात में पाँच uh, ऐसे आदिवासी समूह हैं uh, जिनको पी वी टी जी का दर्जा दिया गया है पी वी टी जी मिला हुआ है कथोड़ी कोटवाड़िया पढ़ार सिदी एंड कोलगा तो दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर गुजरात एग्जामिनेशन एनी क्लास वन टू थ्री फोर ये पाँच नाम आपको मु याद होने ही चाहिए ओके okay, कभी भी एम uh, में भी पूछे जा सकते हैं या स्टेटमेंट्स में भी आपको ये पूछा जा सकता है ओके नेक्स्ट कर्नाटका केरला मध्य प्रदेश महाराष्ट्र मणिपुर उड़ीसा देखिए उड़ीसा की सारी जो ट्राइब्स हैं वो ऑलरेडी हम आगे डिस्कस कर चुके वो ऑलरेडी अगेन यहाँ पे लिस्टेड है देन राजस्थान तमिलनाडु त्रिपुरा यूपी इंक्लूडिंग उत्तराखंड वेस्ट बंगाल एंड आंदमान निकोबार आइलैंड्स ओके तो जस्ट एक बार ध्यान से पाँच मिनट निकाल कर एक एक नाम पे नज़र मारिए ओके कहीं ऐसा ना हो कि एक, कोई नाम छूट जाए और वही एग्जाम में आ जाए याद रखने की जरूरत नहीं है बट ट्राई टू रिमेंबर इट ओके एक बार अब जहाँ पे आप पढ़ने बैठ रहे हो एक पूरा लिस्ट बना के सामने चिपका दीजिए डेली जस्ट जब भी आप पढ़ाई करने बैठ रहे हो और जब पढ़ाई करके उठ रहे हो खत्म कर रहे हो जब पढ़ाई जस्ट एक बार उसको पढ़ जाइए ऑटोमेटिकली आपको वो चीज़ सालों के लिए याद हो जाएगी नो इट टू अप राइट उसको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है नेक्स्ट इज़ एम एस पी रेज फॉर राबी क्रॉप्स पिछले कुछ दिनों में अगर आप संसद की कार्यवाही संसद की जो सेशंस है वो अगर आप देख रहे हो तो आपको पता होगा कि राज्यसभा और लोकसभा ने फार्मर बिल्स को विदाउट डिस्कशन या मिनिमम डिस्कशन उसको क्या कर दिया गया है पास कर दिया है उसी के वजह से कुछ जो अपोजिशन के राज्यसभा से अपोजिशन के जो एम थे आठ जितने एम को सस्पेंड कर दिया गया है उन लोगों ने संसद के बाहर वो लोग धरने पे बैठे हुए एक दिन के लिए तो ये सारी चीज़ें अभी ऑलरेडी चल रही है उस पर आपको नज़र बनाए रखनी है सो रिसेंटली द कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स हैज़ मार्जिनली इंक्रीज द मिनिमम सपोर्ट प्राइस ओके विच इज़ नोन एज एम और जब भी आप कृषि विषय कुछ बात कर रहे हो खेती से रिलेटेड फार्मिंग से रिलेटेड इंडिया में जब कुछ बात कर रहे हो तो एम एस पी के बगैर एम एस पी को समझे बिना आपका कृषि का ज्ञान अधूरा है ओके एम एस पी का मतलब क्या है मिनिमम सपोर्ट प्राइस न्यूनतम समर्थन मूल्य अब देखिए नाम से ही पता चलेगा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य का मतलब क्या है चाहे कैसे भी मार्केट की सिचुएशन हो अगर किसी किसान ने कोई पाक अगर उगाया है कोई क्रॉप अगर कल्टीवेट किया है उसने तो वो सरकार की जिम्मेदारी होगी कि सरकार वो पूरा का पूरा उसका क्रॉप एक मिनिमम प्राइस में ख़रीद लेगी अब आपको पता चलना चाहिए कि ये एम एस पी जितना ज़्यादा होगा उतना किसान को क्या होगा फ़ायदा होगा एम एस पी जितना कम होगा उतना किसान को नुकसान होगा राइट सो रिसेंटली कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स हैज़ मार्जिनली इंक्रीज द मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑन सिक्स राबी क्रॉप्स फॉर ट्वेंटी ट्वेंटी वन टू ट्वेंटी ट्वेंटी टू और ये हर साल डिसाइड होता है राबी क्रॉप्स आर एग्रीकल्चर क्रॉप्स दैट आर सॉन इन विंटर एंड हार्वेस्टेड इन स्प्रिंग इन इंडिया और कौन से कौन से एग्जाम्पल है देखिए ये जी पी एस सी यू पी एस सी में राबी uh, क्रॉप्स खरीफ क्रॉप्स ये एग्ज क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं सो डोंट थिंक के यार राबी क्रॉप्स के बारे में थोड़ी ना यू पी एस सी या जी पी एस सी मुझसे पूछने वाला है राइट right? बट जब आपको बेसिक समझ यू पी एस सी आपकी बेसिक समझ हमेशा चेक करेगा जी पी एस हो कोई भी स्टेट सिविल सर्विसेज हो आपकी बेसिक समझ क्या है फॉर दैट पर्टिकुलर इश्यू उसको एनालाइज किया जाएगा उसको एग्जामिन किया जाएगा राइट तो वीट बार्ली मस्टर्ड एट्सेट्रा आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ राबी क्रॉप्स एम एस पी रेट्स वर हाइक्ड फॉर वीट बार्ली ग्राम मसूर दाल सेफ्लार एंड रेपसीड एंड मस्टर्ड However, the MSP has been seen a lower hike compared to 2021. The wheat MSP has seen an increase of just 2.6 the lowest increase in 11 years. और क्यों ये lowest increase है? Because we already know कि सरकार के पास पैसा नहीं है due to this COVID-19 pandemic. सरकार MSME में अपने सारा पैसा लगा रही है and that's why इस बार जो hike हाँ है वो इतना कम देखने को मिला है द इंक्रीज इन एम एस पी इज़ इन लाइन विद द प्रिंसिपल ऑफ फिक्सिंग दम एस पीज एट लेवल ऑफ एटलीस्ट वन पॉइंट फाइव टाइम्स ऑफ ऑल इंडिया वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ़ प्रोडक्शन एज अनाउंसड इन द यूनियन बजट ट्वेंटी एटीन नाइनटीन तो ये एम एक फॉर्मूला के तहत डिसाइड की जाएगी राइट right? तो उसके तहत ये एम एस पी किसानों को दी जाएगी द इनक्रीज इन एम एस पी कम्स इन द मिड्स ऑफ वहमेंट प्रोटेस्ट बाई फार्मर्स हु फीयर दी दैट न्यू एग्रीकल्चरल मार्केटिंग रिफॉर्म्स विल रिजल्ट इन द फेजिंग आउट ऑफ एम एस पी एंड पब्लिक प्रोक्योरमेंट देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे कृषि मंत्री खुद और प्रधानमंत्री खुद ये क्लियर कर चुके हैं कि किसानों को जो दाम है उनकी फसल का वो मिलने ही वाला है ठीक है वो अधिकार उनसे ये नया बिल या नया बिल के जो प्रावधान है वो नहीं छीन छीना जा रहा है बट स्टिल फार्मर्स आर प्रोटेस्टिंग राइट सो सी दीज आर दी दीज डिसाइडेड पर क्विंटल प्राइजिस पर क्विंटल ओके इश्यूज़ विथ न्यू एग्रीकल्चर रिफॉर्म ओके देखिए अभी मैं आपको जस्ट एक ओवरव्यू दे रहा हूँ आफ्टर दी पार्लियामेंट सेशन एंड्स गोइंग टू मेक एन एंटर डिफरेंट सेशन ओके जो जैसे लास्ट हमने किया था सारे बिल्स के बारे में एक अलग से हम सेशन uh, बनाएंगे और उसमें सारे डिस्कशन डिटेल में करेंगे सो दिस इज जस्ट एन ओवरव्यू सो द फार्मर्स आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट दी थ्री बिल्स विच इंक्लूड्स फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन फेसिलिटेशन बिल ट्वेंटी ट्वेंटी फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइज एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल ट्वेंटी ट्वेंटी एसेंशियल कॉमोडिटीज़ अमेंडमेंट बिल 2020 अब अगर आपने पिछले दो या तीन दिनों में ठीक है जब से राज्यसभा में ये विवाद चला है अगर आप न्यूज़ पढ़ रहे हो रेगुलरली तो आपको पता होगा कि ये बिल क्या है जो आप सब्ज़ी मंडियाँ देखते हो राइट हमारे सूरत में देखिए सहारा दरवाज़ा में एक बड़ी सी सब्ज़ी मंडी है ए मार्केट है तो नए बिल में ये एपीएमसी मार्केट्स जो है जो जो कि स्टेट हैंडल करता है उसके प्लेटफॉर्म को हटा दिया जाएगा एज ऑफ नाउ देर आर मल्टीपल रूल्स दोज आर बाइंडिंग रूल्स फॉर फार्मर्स ओके जैसे कि अगर गुजरात का किसान है और अगर उसको आंध्र प्रदेश की सब्जी मंडी में जाकर या किसान मंडी में जाकर या फसल मंडी में जाकर अगर अपनी फसल बेचनी है तो वो नहीं बेच सकता उसको अपनी फसल चाहे कम दाम में तो कम दाम में पर गुजरात की और अपने एरिया की सब, फसल मंडी में ही उसको अपनी फसल बेचनी पड़ेगी नया बिल जो है वो उसको निगेट करता है अब जहाँ उसको ज़्यादा प्राइस मिलेगा वहाँ वो जाके वो अपना सामान बेच सकेगा तो ये अच्छी बात है किसान के लिए राइट सो ऑल दोज डिटेल्स आई विल कवर इन अवर अदर लेक्चर इन शॉर्ट द बिल एम्स टू डू अवे विथ गवर्नमेंट इंटरफियरेंस तो गवर्नमेंट का जो भी इंटरफियरेंस है उसको कम से कम कर दिया जाएगा इन एग्रीकल्चरल ट्रेड बाई क्रिएटिंग ट्रेडिंग एरियाज़ फ्री ऑफ मिडल मैन ओके जो बिचौलिये होते हैं उनको क्या कर दिया जाएगा हटा दिया जाएगा पूरी ट्रेडिंग प्रोसेस से ताकि किसानों को सही दाम मिल पाए ज़्यादा दाम मिल पाए और उनका शोषण ना हो राइट right? और ये क्यों लाया गया है बिल क्योंकि हमें पता है कि पचहत्तर साल पूरे होने पर मोदी गवर्नमेंट का ये एक एम है कि किसानों की आय को दो गुना कर दिया जाए एंड दैट्स वाई दिल दिस बिल हैज़ बीन ब्रॉड ओके सो फ्री ऑफ मिडल मैन एंड गवर्नमेंट टैक्सेज आउटसाइड द स्ट्रक्चर ऑफ ए पी एम सी मार्केट दोग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटीज़ दे ऑल्सो एम टू रिमूव रेस्ट्रिक्शंस ऑन प्राइवेट स्टॉक होल्डिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस अभी अगर आपको ए पी एम सी का फॉर्मेट अगर पता हो तो जनरली ए में रूलिंग पार्टी या अपोजिशन पार्टी का ही दबदबा होगा ठीक है उनके रिलेटिव्स uh, ही ए मार्केट का जो पूरा कारोबार है वो संभाल रहे होंगे अब क्या हो गया कि पर्सनल स्टॉक जो होगा अगर किसी का भी उसको हटा दिया जाएगा तो जो बड़े बड़े राजनेता के जो रिश्तेदार हैं उनको नुकसान ज़्यादा होगा एंड दैट्स वाई दे आर प्रोटेस्टिंग एंड दैट्स वाई दे आर

ला दिया वहाँ पे, ओके okay. अब तक पूरा सरकारी काम का चल रहा था अगर आपने उसको प्राइवेटाइज कर दिया तो वहाँ पे ड्यू टू कंपटीशन फार्मर्स को कम से कम दाम मिलेगा और तय दाम नहीं मिल पाएगा ओके नाउ वी हैव टू सी दैट गवर्नमेंट उस पर क्या स्टैंड लेती है आने वाले कुछ समय में काफ़ी डिटेल्ड आपको एड्रेसेस फ्राम वेरियस मिनिस्टर्स फार्मर्स बिल के ऊपर आपको देखने को मिलेंगे तो उस पर आपकी नज़र बनाए रखिए इन द न्यू सिस्टम कंपनीज विल बेनिफिट एस ट्रेडिंग रेट्स विल नॉट बी अंडर प्रेशर ऑफ गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट एंड दे विल बी एबल टू फोर्स फार्मर्स टू रिड्यूस देयर रेट्स तो देखिए यही चीज़ को लेकर अपोजिशन क्या कर रहा है आ, विवाद बढ़ा रहा है तो ये हमें देखना है कि भाई क्या इफेक्ट होगा इसका फार्मर्स पे आने वाले टाइम में द एब्सेंस ऑफ एनी रेगुलेशन इन नॉन एपीएमसी पी मंडीज इज बीइंग सीन एज अ प्रीकर्सर टू द विड्रॉवल ऑफ द गारंटी ऑफ एमएसपी बेस्ड प्रोक्योरमेंट दीज फियर्स गेन स्ट्रेंथ विद द एक्सपीरियंस ऑफ स्टेट सच इज़ बिहार विच अबोलिस्ड ए पी एम सीज इन टू थाउजेंड एंड सिक्स आफ्टर द अबोल्यूशन ऑफ मंडीज फार्मर्स इन बिहार ऑन एवरेज रिसीव्ड लोअर प्राइस कम्पेयर टू द एम एस पी फॉर मोस्ट क्रॉप देखिए तो ये एक लाइव एग्जाम्पल है हमारे पास कि किसानों को नुकसान हुआ है राइट बट स्टिल गवर्नमेंट इज Is assuring everyone that Kisanoko is safe hida hoga. So the government procurement also reduced significantly compared to the other states. Government is relying on the market to realize better prices. However, recent data suggest limitations of market intervention is raising farm gate. प्राइस ओके okay, तो देखिए अभी जो डाटा जो गवर्नमेंट ने रिलीज किया है उसमें यह दिखा रहा है कि अगर प्राइवेट सेक्टर को आने दिया गया है इसमें तो किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस मिलेगा फॉर मोस्ट क्रॉप्स वेर एम एसपीड प्रोक्योरमेंट इज नॉन एक्सिस्टेंट द डिक्लाइन हैज़ बिन शार्पर इवन कैश क्रॉप्स सच इज कॉटन हैव सीन अ कोलैप्स इन प्राइजेस इन द एबसेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन विथ राइजिंग इन पुट कॉस्ट फार्मर्स डू नॉट सी दी मार्केट प्रोवाइडिंग दैम रिम्यूनोरेटिव प्राइजेस तो अभी फार्मर्स को ये लग रहा है कि उनको ज़्यादा पैसा एट द एंड पूरी प्रोसेस के बाद नहीं मिलेगा नाउ वी हैव टू सी नाउ द गवर्नमेंट हैज टू अश्योर दैट फार्मर्स को जो तय किया गया है जो वादा किया गया है वो सारा पैसा उनको मिले ओके चलिए एंड दिस इज फ्यू डिटेल्स अबाउट मिनिमम सपोर्ट प्राइज द एम एस पी इज द रेट एट विच द गवर्मेंट बाइज ग्रेन्स फ्रॉम फार्मर्स ओके okay, तो एमएसपी जितना ज़्यादा होगा गवर्नमेंट को जितना ज़्यादा पैसा किसानों को देना पड़ेगा उतना फ़ायदा किसानों को होगा राइट right? तो गवर्नमेंट ये तय कर देगी कि मिनिमम इतना पैसा तो हम देंगे ही देंगे इससे ऊपर भी दे सकते हैं रीज़न बिहाइंड द आइडिया ऑफ एम एस पी इज़ टू काउंटर प्राइज वॉलेटिलिटी ऑफ एग्रीकल्चर कॉमोडिटीज ड्यू टू द फैक्टर्स लाइक वेरिएशन इन दर सप्लाई लेक ऑफ मार्केट इंटीग्रेशन एंड इन्फॉर्मेशन एसीमेट्री अब देखिए मान लीजिए प्याज के दाम बढ़ गए राइट तो प्याज के बढ़े हुए दामों का फ़ायदा किसान को कभी नहीं मिलता ठीक है ना महाराष्ट्र और तमिलनाडु का किसान या यूपी का किसान जो प्याज उगाता है वो तो फिर भी आत्महत्या कर रहा है और आपको प्याज कितने रुपए में मिल रहा है अस्सी रुपये नब्बे रुपये किलो आपको प्राइस मिलता है जो प्याज या जो क्रॉप किसान ने उगाया है राइट right, उसने तो दस रुपये में या बीस रुपये में उगाया है वो चीज़ तो अगर मैं सौ रुपये दे रहा हूँ तो मुझे तो किसान के पास वो पैसा जाना चाहिए बट ऐसा नहीं हो रहा क्यों बिकॉज हमारा जो करंट सप्लाई चेन है वो ऐसा है कि किसान आपको आकर सीधा सामान बेच ही नहीं सकता ओके okay, किसान को सब्ज़ी मंडी में ही जाना पड़ेगा फसल मंडी में ही जाना पड़ेगा फसल मंडी से होलसेलर उसका सामान खरीदेगा होलसेलर रिटेल के प्राइस में आपको सामान बेचेगा तो ये जो मिडल मैन का जो सिस्टम है वो ये नए बिल खत्म करने का वादा कर रहे हैं फिक्सेशन ऑफ एम एस पी द एम एस फिक्सड फॉर ट्वेंटी थ्री क्रॉप्स बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ़ द कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइजिस मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर तो तेईस ऐसे पार्क है ऐसे क्रॉप्स है जिनका एम सरकार हर साल क्या करती है डिसाइड करती है फैक्टर्स टेकन इन टू कंसिडरेशन फॉर फिक्सिंग एम एस पी इंक्लूड कॉस्ट ऑफ़ कल्टिवेशन डिमांड एंड सप्लाई प्राइस ट्रेंड्स इन दी मार्केट बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल इंटर क्रॉप प्राइस पैरिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड बिटवीन एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर अनिमम फिफ्टी परसेंट इज द मार्जिन ओवर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड लाइकली इम्प्लिकेशन ऑफ एम एस पी ऑन कंज्यूमर्स ऑफ दैट प्रोडक्ट तो ये सारे पैरामीटर्स उस पर असर करेंगे आपको ज़्यादा डिटेल में फॉर प्रिलीम्स पर, परस्पेक्टिव इतना डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है बट इट इज़ ऑलवेज बेनिफिशियल टू नो द टॉपिक इन डीप ओके तो प्रिलीम्स तो आपके हंसते हंसते बास हो सकते हैं अगर आप मेन्स को टारगेट करके अगर आप प्रिपरेशन करोगे तो राइट right? और देर आर सेवरल कमिटीज़ सेटअप और उसमें जो मेन है दैट वॉज स्वामीनाथन कमेटी तो उनके रिकमेंडेशन के हिसाब से गवर्नमेंट ये सारे जो एम एस सी प्राइजेज है या जो कमोडिटी के प्राइजेज है वो डिसाइड करती है ओके सो दिस इज़ योर फॉर योर सेल्फ स्टडी जस्ट गो थ्रू दिस स्लाइड एंड योर मेक योर अंडरस्टैंडिंग मच क्लियर नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक है दैट इज डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल सो द मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजियन दैट इज पर्टिकुलरली नोन एज डोनर हैज़ लॉन्च्ड द लोगो एंड सॉन्ग फॉर फेस्टिवल कॉल्ड डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट ट्वेंटी फोकस क्या होगा ट्वेंटी का द इमरजिंग डिलाइटफुल डेस्टिनेशंस वेन्यू क्या होगा तो ड्यू टू कोविड नाइन्टीन ये वेन्यू क्या रखा गया है वर्चुअली तो ऑनलाइन ही सेशन किए जाएंगे वर्चुअली फ्रॉम ट्वेंटी सेवेंथ टू थर्टीथ सेप्टेम्बर ट्वेंटी ट्वेंटी द प्रीवियस एडिशंस ऑफ द फेस्टिवल्स वर हेल्ड इन वाराणसी डेली एंड चंडीगढ़ तो कैसे जो सेवन सिस्टर्स हमारे स्टेट है उसको कैसे इंडस्ट्री uh, वाइज या टूरिज़म वाइज इम्प्रूव किया जा सके उनको कैसे डेवलप किया जा, जा सके उसके लिए ये फेस्टिवल अरेंज किया जाता है अबाउट द फेस्टिवल सो टू ब्रिंग द रेस्ट ऑफ इंडिया क्लोजर टू नॉर्थ ईस्ट इंडिया फोर डी इवेंट होगा इट वॉल्स अ स्पेशल प्रेजेंटेशन ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट टेक्सटाइल्स एथनिक प्रोडक्ट्स टूरिज्म प्रमोशन एक्सेट्रा ऑफ द एट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व कौन से कौन से ऑर्गेनाइजेशन है तो बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन दैट इज डोनर इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैटर्स रिलेडिंग टू इट द प्लानिंग एग्जीक्यूशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ डेवलपमेंट स्कीम्स एंड प्रोजेक्ट्स इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल इट इज द नोडल एजेंसी फॉर द इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ दी एनी रीजियन विच कंजिस्ट ऑफ द एट स्टेट्स अरुणाचल प्रदेश असम मणिपुर मेघालय मिजोरम nagaland sikkim and tripura it was constituted in 1971 by an act of parliament though hoga. and next is n-e-r-c-o-r-m-p which is northeastern region community resource management project it is a livelihood and rural development project aimed to transform the lives of the poor and marginalized tribal families in northeastern india it is a joint develop डेवलपमेंटल इनिशिएटिव ऑफ द एन ई सी मिनिस्ट्री ऑफ डोनर एंड इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट आई फेड आई फेड इज एन इंटरनेशनल फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड अ स्पेशलाइज एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस डेडिकेटेड टू इरेडिकेटिंग पॉवर्टी एंड हंगर इन रूरल एरियाज इन ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज इट इज़ हेड क्वार्ट इन रोम इटली ओके तो वो भी देखिए आई फेड भी किस तरह से इंडियन गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को हेल्प कर रही है ओके नाउ नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इज़ इंडिया बेस्ड न्यूट्रीनो ऑब्जर्वेटरी ओके नाउ वॉट इज़ न्यूट्रीनो तो न्यूट्रीनो इज़ अ सब पार्टिकल एक बहुत छोटा पार्टिकल है तो उसको रिसर्च करने के लिए न्यूक्लियर रिसर्च के लिए बेसिकली ये न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी ऑब्जर्वेटरी का मतलब है इन लेमेन लैंग्वेज लैब मान लीजिए ओके रिसर्च लेबोरेटरी मान लीजिए सो एन इंडिया बेस्ड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी इज गोइंग टू बी सेटअप इन बॉडी वेस्ट हिल्स इन थेनी डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु तो ये आपको याद रखना है बॉडी वेस्ट हिल्स थेनी डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु तो वहाँ पर ये आई इंडिया बेस्ड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी एस्टैब्लिश की जाएगी विच विल बी द फर्स्ट इन इंडिया सो आई एन ओ प्रोजेक्ट इज अ मल्टी इंस्टीट्यूशनल एफर्ट एम्ड एट बिल्डिंग अ वर्ल्ड क्लास अंडरग्राउंड लेबोरेटरी विथ अ रॉक कवर ऑफ अप्रॉक्सीमेटली ट्वेल्व हंड्रेड मीटर फॉर अ नॉन एक्सीटर बेस्ड हाई एनर्जी एंड न्यूक्लियर फिजिक्स रिसर्च इन इंडिया ओके तो बेसिकली न्यूक्लियर फिजिक्स के लिए उसके रिसर्च संशोधन के लिए ये इस्टैब्लिश की जाएगी National Neutrino Collaboration Group. It includes more than 50 scientists from about 15 institutes and universities in India and is tasked with detailing various aspects related to ion activity and come up with a proposal for an underground neutrino laboratory. Funded by Department of Atomic Energy and the Department of Science and Technology, DAE and DST. Objective kya hoga. So INO will observe neutrinos and anti-neutrinos produced in the atmosphere of the earth. Over the years, this underground facility is expected to develop into full-fledged underground science laboratory for other studies in physics, biology, geology, hydrology, etc. काफ़ी हॉलीवुड की पिक्चरों में अपने इस टाइप की लेबोरेटरीज देखी होगी राइट right? तो वैसे ही लेबोरेटरी अब तक जर्मनी के पास है यू uh, एस ए रशिया चीन के पास है बट वी डू नॉट हैव दैट काइंड ऑफ फैसिलिटी बिकॉज वी डू नॉट इन्वेस्ट अवर मनी इन रिसर्च एरिया बट विथ द न्यू गवर्नमेंट वी हैव स्टार्टेड to invest these kind of money in the research area okay features kya those so the project includes underground laboratory and associated surface facilities at body west hills construction of a magnetized iron calorimeter detector for studying neutrinos when completed icl will have the world's largest magnet सेटिंग अप इंटर इंस्टीट्यूशनल सेंटर फॉर हाई एनर्जी फिजिक्स एट मदुरई और एडवांटेजेस ऑलरेडी मैं आपको सारे बता चुका हूँ कि साइंस के हर एक फील्ड में उसके एडवांटेजेस हमें देखने को मिलेंगे ओके चलिए नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक है दैट इज़ इंटरनेशनल डे ऑफ पीस सो ईच ईयर द इंटरनेशनल डे ऑफ पीस इज ऑब्जर्व्ड अराउंड दी वर्ल्ड ऑन ट्वेंटी फर्स्ट ऑफ सेप्टेम्बर और इस बार की थीम क्या थी ट्वेंटी ट्वेंटी की थीम थी शेपिंग पीस टू गैदर The United Nations General Assembly has declared this day, devoted to strengthening the ideas of peace, through observing फोर आवर्स ऑफ नॉन वायलेंस एंड and फायर एंड देखिए आज के टाइम में करंट सिचुएशन में कोई भी हिस्सा उठाकर दुनिया का देख लीजिए एक हिस्सा ऐसा नहीं है जहाँ पे कंट्रीज़ के बीच में क्लैश नहीं हो रहे ज़मीन को लेकर रेफ्यूजीज को लेकर पॉलिटिकल सीनारी को लेकर राइट इंडिया चाइना इंडिया पाकिस्तान यू एस ए चाइना अफ्रीकन कंट्रीज़ है मिडल ईस्ट के कंट्री है लेबनन ईरान इराक अफ़ग़ानिस्तान रशिया अमेरिका राइट तो ये सारे कंट्रीज़ के बीच में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ना चलता रहता है उसको किस तरह से रोका जाए किस तरह से रिजॉल्व किया जाए उसके लिए ये दिन पीस डे मनाया जाता है ओके okay? तो ये चौबीस घंटे का एक नॉन वायलेंस पीरियड ऑब्जर्व किया जाता है अंडर दी इंटरनेशनल डे ऑफ पीस बैकग्राउंड क्या होगा सो द इंटरनेशनल डे ऑफ पीस वाज एस्टाब्लिश इन 1981 बाय द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली इन 2001 द जनरल असेंबली यूनानिमसली वोटेड टू डेजिगनेट द डे एज अ पीरियड ऑफ नॉन वायलेंस एंड सीज़ फायर तो अगर कोई वॉर चल भी रहा है तो ऐसा एक्सपेक्ट किया जाएगा कंट्रीज़ से कि भाई चौबीस घंटों के लिए उस उस वॉर को क्या किया जाए रोक दिया जाए अदर द यूनाइटेड नेशंस विल सेलिब्रेट इट्स सेवेंटी फिफ्थ एनिवर्सरी ऑन ट्वेंटी फोर्थ अक्टूबर ट्वेंटी ट्वेंटी ओके और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमें आज कवर करना है दैट इज़ सिक्सटी ईयर्स ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी ओके okay. सिंधु नदी का जो पानी है उसकी एक ट्रिटी हुई है और किसके साथ हुई है हमें पता है पाकिस्तान के साथ तो इन दोनों देशों के बीच जो इंडस वाटर ट्रिटी हुई थी उसके 60 साल इस 19 सितंबर को पूरे हुए हैं सो द इंडस वाटर ट्रिटी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान मार्क्स इट्स सिक्सटियथ एनिवर्सरी ऑन नाइन्टीन ऑफ सितंबर ट्वेंटी राइट तो देखिए ये पूरा आपको मैप यहाँ पे दिखाया हुआ दिस इज़ द लार्जेस्ट सिंधु नदी और सिंधु के साथ साथ जो सिंधु नदी में और कौन सी आ, ट्रिटी में और कौन सी नदियों को जोड़ा गया है तो पंजाब की पांचों नदियाँ जेलम चेनाब रावी बियास और सतलुज इन पांचों को भी इस नदी में आ, इस ट्रिटी में जोड़ा गया है और बेसिकली क्या है कि किसको कितना पानी मिलेगा जैसे इंडिया में नर्मदा का पानी नर्मदा का पानी गुजरात महाराष्ट्र मध्य प्रदेश को कि, कितना परसेंटेज मिलेगा वो तय है Uh, कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच कावेरी का पानी के लेकर विवाद चलता रहता है राइट सो दैट दैट इज़ ऑल टूगेदर अ डिफरेंट ऑप उसी हिसाब से इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सिंधु और इन पांचों नदियों का पानी कितने और किस हिसाब से बटेगा उसके लिए एक ट्रिटी हुई है इन 1960, राइट right? उसके बारे में हमें जानना है सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ़ वाटर्स ऑफ द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इज गवर्न बाई द इंडस वाटर ट्रिटी इट वॉज साइंड ऑन नाइनटीन सेप्टेम्बर नाइनटीन सिक्सटी बिटवीन इंडिया पाकिस्तान एंड अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वर्ल्ड बैंक आफ्टर एट ईयर्स ऑफ निगोसिएशंस पार्टीशन ऑफ इंडिया कट अक्रॉस द इंडस रिवर बेसिन विच हैज द इंडस रिवर प्लस फाइव ऑफ इट्स मेन ट्रिब्यूटरीज ओके देखिए पूरा इंडस रिवर का जो पूरा एरिया है वो आप यहाँ पे देख सकते हो कितना बड़ा बेसिन लेकर वो आगे बढ़ती है सो वेस्टर्न रिवर्स विच आर चेनाब झेलम एंड इंडस सो इंडियाज राइट्स ओवर दीज रिवर्स आर लिमिटेड तो इंडिया का काफ़ी लिमिटेड राइट्स ओवर दीज रिवर्स काफ़ी कम पानी हम यहाँ से ले सकते हैं कौन सी कौन सी नदियाँ हैं चेनाब झेलम एंड इंडस देखिए इंडिया को फ़ायदा क्या है इंडिया इज़ दी अपर रेपेरियन स्टेट ओके अपर रेपेरियन स्टेट का मतलब क्या है कि जहाँ से नदी पहले बहती है और पाकिस्तान इज़ द लोअर रेपेरियन कंट्री इन दिस सिनारी तो इसी वजह से अगर इंडिया मान लीजिए सिंधु में पाकिस्तान कश्मीर का ये वाला जो हिस्सा है मान लीजिए हमारा है यहाँ पे अगर हम कोई डैम बना देते हैं और पानी को रोक लेते हैं तो पूरा पाकिस्तान को यहाँ पे धीरे धीरे कम पानी मिलता जाएगा वही चीज़ हम सारी पांचों नदियों के साथ कर सकते हैं तो पाकिस्तान क्या हो जाएगा सूखा हो जाएगा पूरी तरह से और अभी कुछ समय पहले जब पाकिस्तान के साथ हमारे जो डिस्प्यूट थे वो बढ़ गए राइट तब हमने ये धमकी दी थी पाकिस्तान को कि अगर हम चाहे तो हम इंडस वाटर ट्रिटी को तोड़ देंगे राइट अगर आपने ज़्यादा कुछ परेशान किया हमको या टेररिज्म के ऊपर रोक नहीं लगाई ओके या हमारे इंटरनल मैटर्स में अगर आपने दखलंदाजी की सो वी विल ब्रेक द इंडस वाटर ट्रिटी यूजल इंडिया कोई ट्रिटी को अगर साइन किया है इंडिया ने तो इंडिया नेवर बैक ऑफ इंडिया हमेशा ट्राई करता है कि उसको रिजोल्व कर लिया जाए बिकॉज वी आर दी कंट्री ऑफ पीस कीपर्स हम कभी वॉर में जाना नहीं चाहते बट इस बार हमने अग्रेशन के साथ पाकिस्तान को बोल दिया कि अगर ज़्यादा चूचा किया है तो पूरा डैम बना देंगे और इंडस वाटर का जो पानी है सिंधु नदी का पानी यहीं पर रोक देंगे राइट सो आफ्टर दैट पाकिस्तान थोड़ा क्या हमें थोड़ा बैकफुट पे जाता हुआ दिखा सो कैन सेटअप सर्टेन इरीगेशन रन ऑफ द रिवर पावर प्लांट्स वेरी लिमिटेड स्टोरेज डोमेस्टिक एंड नॉन कंज्यू कंजटिव यूज ऑल सब्जेक्ट टू कंडीशन तो ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं ऑन दीज थ्री रिवर्स चेनाब झेलम और इंडस के ऊपर बट काफ़ी लिमिटेड पोर्शन में राइट नाउ ईस्टर्न रिवर्स विच आर आ, रावी बियास एंड सतल देखिए वो ईस्टर्न ऑलमोस्ट जो नॉर्दर्न स्टेट्स है उसको कवर कर रही है दिल्ली हरियाणा हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर उसको कवर कर रही है ये नदियाँ सो इंडियाज राइट्स ओवर दीज रिवर्स ऑल एक्सक्लूसिव राइट्स लेफ्ट विद इंडिया अब यहाँ पे इंडिया जितने भी डैम बनाना चाहे वो बना सकती है क्योंकि यहाँ से थोड़ा भी पानी पाकिस्तान को देने के लिए हम बंधे हुए नहीं हैं ओके सो इंडस वाटर कमीशन सक्सेस स्टोरी ंस एवरी फाइव ईयरस कंडक्ट्स अ जनरल इंस्पेक्शन ऑफ ऑल रिवर्स इन पार्ट्स टोटल इंस्पेक्शन टूर्स सो फार ओवर हंड्रेड रेगुलरली रेगुलरली मीट्स ओवर अ ईयर टोटल मीटिंग्स सो फार इंक्लूडिंग दोस्त फॉर टेकिंग अप पाक ऑब्जेक्शन ओवर हंड्रेड तो देखिए सौ से ज्यादा बार दोनों कंट्रीज़ के जो रिप्रेजेंटेटिव है वो मिल चुके हैं विथ दी वर्ल्ड बैंक रिप्रेजेंटेटिव ओके तो एक सक्सेस स्टोरी इसको माना जाता है ओके okay, और वही चीज़ें आपको यहाँ पे टेक्निकल टर्म्स में दी गई है कि कैसे कैसे पार्टीशन uh, होता है पानी का ओके सो द इंडस सिस्टम कॉम्प्राइज इज द मेन इंडस झेलम चेनाब रावी बी एंड सतलज द बेसिन इज मेनली शेयर्ड बाय इंडिया एंड पाकिस्तान विद अ स्मॉल शेयर फॉर चाइना एंड अफगानिस्तान विद द पार्टीशन ऑफ इंडिया इन नाइनटीन वाटर्स ऑफ इंडस रिवर सिस्टम वर ऑल्सो डिवाइडेड द शेयरिंग फॉर्मूला devised after prolonged negotiation the negotiation chala tha, right sliced the indus system into two halves the three western rivers were went to pakistan and the three eastern rivers were portioned to india india is allowed to use 20% water of the western rivers for irrigation power generation and transport purposes आई डब्ल्यू टी ग्रांटेड थ्री पॉइंट सिक्स मिलियन एकर फीट ऑफ परमिसेबल स्टोरेज कैपेसिटी टू इंडिया ऑन द वेस्टर्न रिवर्स बट ड्यू टू पुअर वाटर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स टू थ्री मिलियन एकर फीट ऑफ वाटर ईजीली फ्लोज इन टू पाकिस्तान ओके तो हम काफ़ी सारा पानी अभी भी पाकिस्तान को यू ही दे रहे हैं जिसको हम रोक सकते हैं बट वी आर नॉट ट्राइंग इनफ टू स्टॉप दैट वाटर बिकॉज एज ऑफ नाउ वी हैव इनफ वॉटर राइट देट्स वाई और इसमें जो थर्ड पार्टी है वो कौन है वर्ल्ड बैंक तो वर्ल्ड बैंक दोनों कंट्रीज़ के ऊपर नज़र रखता है कि कोई चोरी तो नहीं कर रहे ओके रेंडम इंस्पेक्शन यहाँ पे होते हुए हमें दिखते हैं ओके ओके एक छोटा सा टॉपिक और मैं कवर करूंगा एंड देट इज़ रिलेटेड टू ब्लू फ्लैग रिकमेंडेशन सो आठ बीचेस को पिछले साल 2019 हज़ार उन्नीस में तेरह बीचिस कोस द इंडिया फिल्टर किया गया था टू इम्प्रूव टू गेट दी ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन अब उन इन उन तेरह बीचेज में से जो आठ बीचज आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं ओके शिवराजपुर इन गुजरात घोगला इन दमन एंड दीव कासारकोड एंड पदुबिद्री पदु बिद्री कर्नाटका कप्पड़ केरला ऋषिकोंडा आंध्र प्रदेश गोल्डन बीच ओडिसा एंड राधानगर फ्रॉम आंदमान एंड निकोबार इन आठ बीच ने काफ़ी अच्छा काम किया है तो उनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के लिए आगे किया जाएगा ओके सो ऑन दी ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल कोस्टल क्लीनअप डे फॉर द फर्स्ट टाइम इन एट बीच ऑफ इंडिया आर रिकमेंडेड फॉर द कोवेटेड इंटरनेशनल इको लेबल अब क्या होगा आने वाले कुछ महीनों में ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन की एक टीम आएगी और इन आठ बीचिस का क्या होगा इंस्पेक्शन होगा अगर उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से ये आठ बीचज पाए जाएंगे प्लास्टिक फ्री क्लिनलीनेस रिसर्च सेंटर Uh, जो इंटरनेशनल फैसिलिटीज़ है अगर वो सारी वहाँ पे पाई जाएगी तो उनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दे दिया जाएगा विच विल बी अ माइलस्टोन फॉर इंडिया क्योंकि वहाँ पे आने वाले समय में जो टूरिज़्म है वो धीरे धीरे बढ़ेगा सो दिस इज़ ऑलरेडी अ वेरी ओल्ड टॉपिक ओके तो मैंने आपकी जस्ट फॉर योर नॉलेज एक अपडेट था इसलिए मैंने उसको यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है जस्ट गो थ्रू दिस स्लाइड कि ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन क्या है और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे ऑन दिस सेम ओकेजन इंडिया इज ऑल्सो लॉन्च्ड इंडियाज़ ओन इको लेबल विच इज़ नोन एज बीम्स बी ई एम एस विच स्टैंड फॉर बीच एनवायरमेंट एंड एस्थेटिक्स मैनेजमेंट सर्विसेज अंडर आईसीजेड एम विच इज इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्रोजेक्ट तो जैसे इंटरनेशनल लेवल पर ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड लेबल माना जाता है वैसे इंडिया ने अपने इंटरनल हर बीच के लिए ये एक लोकल नेशनलाइज लेवल स्टार्ट किया है कि अगर किसी बीच को अगर बीम्स का लेबल मिला हुआ है तो वो बीच अच्छा ही होगा ऐसा माना जाएगा ओके सो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू विजिट अ बीच जस्ट चेक कि उसको बीम का जो लेबल है वो मिला हुआ है या नहीं मिला हुआ है सो दिस इज़ लॉन्च बाई दोसाइटी ऑफ इंटीग्रेटेड कोस्टल मैनेजमेंट एंड द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज और कौन से कौन से पैरामीटर्स होंगे जो बीम्स लेबल के लिए कंसिडर किए जाएंगे सो अबेट पॉल्यूशन इन कोस्टल वाटर्स प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ बीच फैसिलिटीज प्रोटेक्ट एंड कंजर्व कोस्टल इकोसिस्टम्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज स्ट्राइव एंड मेनटेन हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ क्लिनलीनेस हाइजीन एंड सेफ्टी फॉर बीच गोवर्स इन अकॉर्डेंस विद द कोस्टल एन्वायरमेंट एंड रेगुलेशन तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर जो बीम्स का इको लेबल है वो क्या किया जाएगा बीच को प्रोवाइड किया जाएगा तो ये एक अपडेट वाले न्यूज़ थे जो आपको अपनी नोट्स में एड कर लेने हैं सो दिस वॉज योर टूडेज लेक्चर्स और तीन वेरी करंट टॉपिक्स जो मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ ऑलरेडी आप पूरे दिन इसको न्यूज़ चैनल में देखते हो पेपर में पढ़ रहे हो पहला है रोल ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी आपने देखा होगा कि फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम 2019 नाइनटीन देर आर सेवरल इम्पॉर्टेंट बिल्स जो पार्लियामेंट्री कमेटी को स्क्रूटिनी के लिए नहीं भेजे गए हैं स्क्रूटिनी का मतलब है रीचेकिंग के लिए उसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है या नहीं है तो पार्लियामेंट्री कमेटी क्यों बनाई जाती है कौन बनाता है बनाने की क्या ज़रूरत है ऑल दोज डिटेल्स यू नीड टू रीड ये आपका टॉपिक है पॉलिटी से ऑलरेडी आप पॉलिटी में इसको कवर कर चुके हो सेकेंड इज़ नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट राज्यसभा डिप्यूटी चेयरमैन पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि उनको नया नया नियुक्त किया गया है और एक ही वीक में उनके खिलाफ़ नो कॉन्फिडेंस मोशन विपक्ष लेकर आ चुका है ओके नेक्स्ट इज़ अफ्रीकन एलिफेंट्स डाइंग ड्यू टू बैक्टीरिया तो बॉट्सवाना करके एक कंट्री है अफ्रीका में जहाँ पे अचानक से काफ़ी सारे अफ्रीकन हाथियों की मौत हो गई है और जब उसको रिसर्च किया गया तो उसका कारण पता चला कि एक खास प्रकार का बैक्टीरिया की वजह से उनकी मौत हो रही है जिसका नाम है साइनोबैक्टेरिया तो उसके बारे में आपको थोड़ा डिटेल पढ़ लेना है ओके लेट मी नो इन केस ऑफ एनी डाउट स्टे होम स्टे सेफ थैंक यू